एम्स दिल्ली दोस्तों, तो आज 6 अप्रैल 2023 और आज सैटरडे है। और आज मैं सुबह 6:30 बजे उठा हूँ और रात में लगभग 5 बजे करीब सोया था, तो भी 6.5 घंटे की नींद पूरी करके आज मैं उठा गया हूँ। तो अभी तो लक्ष्य नीट में 5 दिन क्लासेस हो गई, जिसमें कि टोटल 10 क्लासेस हुई है और आज और कल यानी सैटरडे और संडे को छुट्टी है। तो सबसे पहले एम्स दिल्ली का नाम लेते हुए आज के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज 6 अप्रैल 2023 और आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 371 डेज कंप्लीट हो गए हैं और पूरे लगभग 1 साल कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था और आज है 6 अप्रैल। और हम सबके टारगेट है नीट 2025 को बचे हुए सिर्फ 389 डेज। तो फिर मैं नहाया धोया और तैयार हुआ तो लगभग उसमें 1.5 घंटे लग गए सब खाना वाना खाने में। तो ये है मेरा बैग, जिसका कि नेटवर्थ खुद में ही 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। तो फिर अपना बोझ ढोता हुआ मैं अपने PW पाठशाला सेंटर पे आ गया और मैंने पिछले दिन का DPP लगाया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जिस दिन क्लासेस होते हैं यानी लगभग शाम में 4 बजे से 8 बजे तक क्लासेस होती है, 8:15 तक क्लासेस चलती हैं, तो उसको मैं घर आता हूँ, घर पे अपना कुछ 11th के रिविजन करता हूँ एंड सो जाता हूँ। फिर लाइब्रेरी जब जाता हूँ अगले दिन, तो अपना जो भी DPP बाकी था वो कम्प्लीट करता हूँ, नोट्स कम्प्लीट करता हूँ, एक बार जो भी नोट्स के क्वेश्चन रहते हैं वो फिर से मैं लगा लेता हूँ। तो ऐसे पूरा अच्छे से रिविज़न होता है, पिछले दिन का अच्छे से रिविज़न हो जाता है। और अभी जितने लोग भी 11th में आए हैं या फिर 12th में हैं, उनके लिए भी यही सजेशन है कि आप जब क्लासेस हो जाए तो अगले दिन एक बार पिछले क्लासेस का सारा रिवीजन कर लीजिए, DP सारा कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर अभी आपको सब याद आ रहा है तो अभी आप अच्छे से रिवीजन कर ले, सारा DP लगा ले, तो बाद में जाकर आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इसको कुछ पढ़ाई नहीं है, सारा भूल गया है। तो अगर बात करें मेरे स्ट्रेटजी, मेरे टाइम टेबल की, तो मैं लगभग अपने 8 से 9 बजे के बीच में अपने लाइब्रेरी आ जाता हूँ पाठशाला में, और वहाँ पे आके सबसे पहले मैं पिछले दिन के जो क्लास हुआ रहा था उसका मैं नोट्स खोल के उसका अच्छे से रिवीजन करता हूँ एंड उसमें जितने भी क्वेश्चन लगाए रहते सर ने उसको अच्छे से एक बार फिर से मैं लगा लेता हूँ। फिर अपनी सारी DP सॉल्व करता हूँ, फिर तो अगर जो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं जाके डाउट टीचर से पूछ लेता हूँ और सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लेता हूँ, नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये सब करने में 12 बज जाते हैं, तो 12 से 3 मैं अब सोचा हूँ कि 12 से 3 अपना क्लास 11 का करूँगा, क्लास 11 के कुछ कुछ चैप्टर रिवीजन करते रहूँगा, उसके DPs लगाते रहूँगा। फिर मैं 3 बजे अपना लंच करूँगा, 2:30 से 3 बजे या फिर कभी 3 बजे, और इसको जो आधा घंटा टाइम बचाएगा यानी 3:30 से 4 बजे तक, उसमें अपना जो क्लास आने वाला रहेगा उसका एक बार रिवीजन कर लूँगा। फिर मेरा 4 बजे से 4 PM से क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो 4 से 8, 8:30 तक लगभग क्लास चलती ही रहेंगी, तो उसमें सिर्फ क्लास करना है, फिर घर आकर एक बार रिवीजन कर लो क्लास 11 का। तो मैंने जो अपना बैच लिया था विद्यापीठ पाठशाला में, उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ विद्यापीठ डिजिटल में, तो अभी तो वो प्रोग्रेस में है बैच ट्रांसफ़र का, बट अभी मैंने सारा उसका DP ले लिया है, जो भी लक्ष्य में लगभग 5 DPP मिले थे, तो मैंने है कि क्लास इंचार्ज से बोल के उसका सारा DP ले लिया है और एक कस्टम OMR मैंने अपना बनाया है। तो मैंने सोचा था कि जो सारा मेरा DP मिलेगा उसको मैं OMR पे सॉल्व करूँगा, यानी जो मैं सॉल्व कर लूँ उसको बाद OMR पे सारा फिल करके फिर इसके बाद इसका आंसर मिलाऊँगा। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें लगभग 180 OMR फिल करने होते हैं और उसमें 25 मिनट टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं अपना टेस्ट ऑफलाइन देता हूँ OMR पर, इसलिए मैंने देखा कि मेरे लगभग OMR कंप्लीट करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि जो भी मैं DP सॉल्व करूँगा वह OMR पर सॉल्व करूँगा, जिससे कि मेरे OMR फिल करने की थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे और धीरे धीरे ये टाइम 25 मिनट से 20 मिनट हो, 20 मिनट से 15 मिनट हो। तो आज तो सैटरडे था, तो आज मुझको मैक्सिमम रिवीजन ही करना था, तो मैंने सबसे पहले पिछले दिन का अपना सारा एक बार नोट्स खोल के रिवीजन किया और हफ्ते में जितनी भी क्लासेज हुई है उसका सारा एक बार रिवीजन कर लिया। फिर मुझे जो आज फिजिकल DPP मिला हार्ड कॉपी में, उस सारे DPs को एक बार फिर से अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था उस पर अच्छे से ध्यान दिया, उसको मार्क कर लिया कि अगली बार जब मैं रिवीजन करूँगा तो ये क्वेश्चन देख कर जाऊँगा। फिर अपना सारा नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसको अच्छे से एक बार देख के रिवाइज कर लिया, और उसके बाद जो भी आधा दिन मेरा बचा था उसमें मैंने अपना क्लास 11 का रिवीजन किया। तो मैं रिवीजन के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि अपना नोट्स देखकर एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके, या फिर रिवीजन में एक लेक्चर देख के जो कि अर्जुना में भी प्रोवाइड करा ही जा रहा है सारे सब्जेक्ट में, 1-1.5 घंटे के बीच का लेक्चर रह रहा है रिवीजन के लिए, तो उसको देखकर या फिर नोट्स का रिवाइज करके और एक बार सारा DP लगा लूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा जो अर्जुना का बैच है उसमें मैं अपना सारा DP लगाऊंगा, उसका सारा DP का प्रिंट कराकर 1 से 2 बार उसको अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा और सारे ही अपने DPs पास रखा रहूँगा, और जो भी उसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो के या फिर समझ में नहीं आए होंगे उसको मार्क करके और बाद में सिर्फ उसी का रिवीजन करूँगा। बट फर्स्ट प्रियोरिटी अपने क्लास 12th होनी चाहिए, तो क्लास 12th तो मैं अच्छे से लेके जाऊँगा, डेली का डेली लाइव लेक्चर करूँगा, डेली DP करूँगा, डेली अपना रिवीजन करते रहूँगा। फिर जो टाइम बचे डेली का 2-3 घंटे या फिर सैटरडे को, तो उसमें मैं अपना क्लास 11 का रिवीजन करते रहूँगा। और अगर आप में से किसी का 11th बर्बाद हुआ या फिर 11th अच्छे से नहीं हो पाया हो, तो आप अपने 12th बैच अच्छे से फॉलो करिए,
ट्वेल्थ में बिल्कुल ही बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा इलेवंथ बर्बाद है उसके चक्कर में ट्वेल्थ भी बर्बाद हो गया। तो ट्वेल्थ बैच को अच्छे से फॉलो करना है, डेली 1-2 घंटे टाइम निकाल के इलेवंथ का रिविजन करें। अपने सैटरडे संडे को भी टाइम मिलता है इलेवंथ का, उसमें रिविजन कर सकते हैं। फिर जब नवंबर में अपना क्लास 12 ख़त्म हो जाएगा, फिर आओ सर लोग खुद क्लास 11 का रिवीजन कराएंगे, तो आप उसमें भी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको नीट के लिए कोई भी बुक लेनी हो, चाहे वो PYQ बुक हो या फिर सैम्पल पेपर का बुक हो, तो मैं जो बुक पर्सनल यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको बाय कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर। तो मेरे एंड से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।